Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School, and welcome to 9th General Science class. उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे. 9th General Science में बेटा चैप्टर नंबर है हमारे पास चैप्टर नंबर 5, डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. इसमें बेटा जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है आज वो है फंगल इन्फेक्शंस. पेज नंबर है आपके पास बुक से 60, और जो टॉपिक हम डिस्कस करना है वो है फंगल इन्फेक्शंस. बेटा इस चैप्टर में जो हम डिफरेंट बीमारियों को स्टडी कर रहे हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं. पिछले 5-6 लेक्चर्स में जो हमने बैक्टीरियल डिजीज़ को डिस्कस किया है, जिसमें हमने टाइफाइड, कॉलेरा, वूपिंग कफ, डिफ्थेरिया, इन सारी जो डिजीज़ हैं उनको देखा है. आज बेटा आज के जो लेक्चर में जो है ना, हम फंगल डिजीज़ ऐसी बीमारियां जो फिंजाई की वजह से, फंगस की वजह से होती हैं, उनको डिस्कस करेंगे. तो बेटा सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जो फंगल डिजीज़ हैं वो आपकी बॉडी के तमाम पार्ट्स को, या आपकी जो स्किन है उसकी किसी भी पार्ट को क्या कर सकती हैं, अटैक कर सकती हैं. ठीक है, जो मोस्ट कॉमन हमारे पास फंगल डिजीज़ है वो है रिंग वर्म्स. ठीक है, ये रिंग वर्म. ठीक है, तो देखते हैं क्या है ये जी आपके पास, कहाँ पे रिंग वर्म जो है. रिंग कहते हैं बेटा सर्कुलर रिंग का, पता है ना आपको, सर्कल या रिंग. वर्म ऐसी बेटा ये फंगल इन्फेक्शन है जिसमें जो स्मॉल रिंग्स हैं, जो छोटे छोटे सर्कुलर से पैचेस हैं, वो आपकी बॉडी पे अपीयर होते हैं. रिंग वर्म्स यूजुअली अपीयर्स इन राउंड सर्कल्स ऑन स्किन. ठीक है, क्या है जी, राउंड सर्कल्स ऑन स्किन, जिसके साथ साथ क्या होगा जी, अकम्पेंट बाय इचिंग. अकम्पेंट इचिंग क्या होता है, खारिश होना, खुजली होना. ठीक है, क्या होगा, बॉडी पे छोटे छोटे सर्कुलर से पार्ट्स आपकी बॉडी पे नमूदार होंगे और उन पे क्या होगी, इचिंग होगी, खारिश होगी. रिंग वर्म ऑफ हेड मे कॉज फॉलिंग ऑफ हेयर इन पैचेस. अगर आपके बेटा हेड में हो जाएं रिंग वर्म्स ऑफ हेड, सर में हो जाएं, तो क्या होगा, मे रिजल्ट इन फॉलिंग ऑफ हेयर्स. ठीक है, कि अगर आपके सर में हो जाएं तो क्या होगा, उससे आपके जो हेयर्स हैं वो स्मॉल पैचेस में क्या रिमूव होने शुरू हो जाएंगे. ठीक है, देखो अगर सर में छोटे छोटे जो आपके रिंग वर्म्स वहां पे डेवलप हो जाएं, तो उस पार्ट से जो आपके हेयर्स हैं वो रिमूव होना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे. ठीक है, इसके अलावा नेल फंगस में डैमेज दी नेल, ये था आपके पास हेड का. दूसरा है जी नेल फंगस मे डैमेज दी नेल्स. ठीक है, नेल्स को अटैक कर सकती है. इसके अलावा जी इफेक्टेड पर्सन शुड नॉट हैव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट. अच्छा, ये बहुत यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि रिंग वर्म इज कंटेजियस डिजीज. क्या है, कंटेजियस डिजीज. कंटेजियस डिजीज क्या होती है, अछूत की बीमारी, ऐसी बीमारी जो एक बंदे से किसी दूसरे बंदे को लग जाती है. ठीक है, तो बेटा अगर किसी बंदे को कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाए, अगर किसी बंदे को कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो कोशिश करें कि उस वाली जो फंगल इन्फेक्शन जिस बंदे को यह, उससे थोड़ा सा आपका जो कॉन्टेक्ट है वो ना रहे, उससे थोड़ा दूर ही रहें. ठीक है, अब प्रिवेंटिव मेजर्स आ जाएंगी इसकी. प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं, हम किस तरह से इस बीमारी से जो है ना वो बच सकते हैं. प्रिवेंटिव मेजर्स, पहली बात तो मैंने आपको बताई है कि अगर किसी बंदे में इस बीमारी की तशखीस हुई है, ठीक है,
तो आपने उस बंदे के साथ जो कांटेक्ट है वो क्या कर देना है, कम कर देना, बिल्कुल ख़त्म कर देना है। क्यों? क्योंकि एक बंदे से दूसरे बंदे में ये जो बीमारी है ये क्या हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है, चलें। इफ प्रिवेंटिव मेयर्स क्या हो सकती हैं कि जी डो नॉट हैव डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, डो नॉट हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इफेक्टेड पर्सन। ठीक है, अब अगर हम प्रिवेंटिव मेयर्स ना करें तो क्या होगा? इफ प्रिवेंटिव मेयर्स डू नॉट यूज, अच्छा इसके अलावा क्या करें जी हम? डू नॉट यूज अदर कॉम्ब्स एंड टॉवल, पहली ये हो गई। सेकंड वन, डू नॉट यूज कॉम्ब्स एंड टॉवल्स ऑफ अदर्स। क्या बेटा, अपना जो सर को बालों को कंघी करने वाली है कंघी, उसको भी क्या करें, अपनी अलग रखें, और जो आपके टॉवल हैं उनको भी, जो तौलिया है बेटा उसको भी क्या करें, सेपरेट रखें अपने को। ठीक है, द इफेक्टेड एरिया शुड बी वॉश्ड विद वाटर एंड सोप डेली। अगर किसी एरिए पे आपको लग रहा है कि कोई इन्फेक्शन हो गई है तो क्या करें, इन्फेक्टेड एरिया शुड बी वॉश्ड विद वाटर एंड सोप, पानी के साथ और सोप के साथ उस एरिए को बार बार क्या करें, धोएं। द लीजन शुड बी केप्ट ड्राई, अगर वहां पे कोई जख्म हो गया है उसको क्या रखें, खुश्क रखें। द लीजन शुड बी केप्ट ड्राई, उसको क्या रखना है आपने, खुश्क रखना है। द सॉक्स शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली, जो जराबे हैं आपकी, सॉक्स शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है बेटा, प्रिवेंटिव मेयर्स हैं। ठीक है, क्या क्या करना चाहिए आपने? सबसे पहली चीज कि अगर किसी बंदे में इस बीमारी की तशखीस हुई है, आपने उससे जो कांटेक्ट है वो क्या कर लेना है, खत्म कर लेना है, कम कर लेना है या केयर करनी है। दूसरी चीज़ क्या, आपने बेटा एक दूसरे की कंघी और एक दूसरे के जो टॉवल्स हैं वो यूज़ नहीं करने। अगर किसी एरिया पे आपको लग रहा है कि रिंगवर्म्स हो गए हैं तो आपने क्या करना है, उसको बार बार सोप से या वाटर से क्या करना है, वॉश करना है। फिर आपने क्या करना है, जो लीजन्स हैं उनको ड्राई रखना है, मतलब अगर वहाँ पर कोई ज़ख्म हो गया है या कोई पिंपल टाइप हो गया तो आपने इसको क्या करना है, ड्राई रखना है। फिर क्या करना है, आपकी जो सॉक्स हैं या जो आपके रोज़ पहनने की चीज़ें हैं आपने बेटा उनको अच्छे से क्या करना है, वॉश करके रखना है। ठीक है, ताकि उनमें बेटा अगर कोई इस तरह का फंगस का कोई इशू है भी तो उसको क्या किया जा सके, रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, यही के रिंगवर्म्स आपके पास क्या हैं, मैंने आपको बताया कि राउंड सर्कल्स हैं ये आपकी बॉडी पे जो अपीयर होते हैं, लेकिन उन जो राउंड सर्कल्स हैं उन पे साथ साथ जो है आपको इचिंग भी शुरू हो जाती है। ठीक है, खुजली सी या थोड़ी बेचैनी सी वो वहाँ पे शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर अगर सर में हो जाएं तो सर से जो बाल हैं वो उतरने शुरू हो जाते हैं, और अगर नेल्स में हो सकती है, पाँव में या बॉडी के किस जिस्म के किसी भी हिस्से पे ना, ये जो रिंगवर्म्स हैं ये आपके अटैक कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि ये आपके पास एक कंटेजियस डिज़ीज़ है, एक ऐसी बीमारी है जो एक एक बंदे से दूसरे बंदे को लग सकती है। ठीक है, चलें। फिर हमने इसकी कुछ प्रिवेंटिव मेयर्स देखी हैं, डू नॉट यूज़ कॉम्ब एंड टॉवल ऑफ अदर, इन्फेक्टेड एरिया शुड बी वॉश्ड विद वाटर एंड सोप, लीजन शुड बी केप्ट ड्राई एंड सॉक्स शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली। ठीक है,
आज के लेक्चर के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।